अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा, हमारे पिछले लेक्चर में हमने अपना दूसरा सबक कुरान मजीद का तारुफ की पढ़ाई की थी। कुरान मजीद के तारुफ की पढ़ाई के बाद मैंने आपको होमवर्क में पहले 4 सवालात के जवाब लिखने के लिए दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से होमवर्क किया होगा। आज हम अपने करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है हमारा, खाली जगहें पुर करें। ओपन योर बुक पेज नंबर 12। ओके, नंबर 1 इज कुरान मजीद के बाद अब कोई डैश नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? किताब। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा किताब। नंबर 2 इज कुरान मजीद नाजिल होने पर पिछली तमाम डैश मंसूख हो गईं। क्या मंसूख हो गईं? पिछली तमाम किताबें। सेकंड ब्लैंक में आएगा किताबें। नंबर 3 इज कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद डैश ने लिया है, अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने। नंबर 4 इज डैश आवाज़ में तिलावत करना ठीक नहीं है। किस आवाज़ में? ऊंची आवाज़ में। ऊंची आवाज़ में तिलावत करना ठीक नहीं है। ओके, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। आसमानी किताबों के नामों को उन रसूलों के नामों से मिलाएं जिन पर ये नाजिल की गई। जी, मेरे साथ साथ मिलाइएगा। तौरात, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। तौरात किस नबी पर नाजिल की गई थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर, जी ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। मेरे साथ साथ मैच कीजिएगा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी, नंबर 3 इज़ इंजील। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। मेरे साथ साथ मैच कीजिएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद, जी हाँ कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। तो कुरान मजीद को किससे मैच करते हैं हम? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज, बुक पेज नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ हामिद एक अच्छा बच्चा है, वो अभी अभी कुरान मजीद की तिलावत करके फारिग हुआ है। तिलावत के वक्त उसने जो जो काम किए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इन बातों के सामने दुरुस्त यानी कि टिक का निशान लगाइए जो तिलावत के आदाब के मुताबिक हैं, और जो तिलावत के आदाब के ख़िलाफ़ हैं उनके सामने गलत का निशान लगाएं। सवाल समझ में आया? हमें बताया जा रहा है कि हामिद एक अच्छा बच्चा है, वो अभी अभी कुरान मजीद की तिलावत करके आया है। जो तिलावत के दौरान उसने जो काम किए थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो तिलावत के आदाब के मुताबिक हैं उन पर आप टिक कीजिएगा, और जो तिलावत के आदाब के ख़िलाफ़ हैं उनको क्रॉस कीजिएगा। नंबर 1 इज़ हामिद ने सबसे पहले वज़ू किया। तो कुरान पाक पढ़ने से पहले सबसे पहले वज़ू ही करते हैं, तो ये आपका क्या हुआ? सही। इसके सामने सही का निशान लगाएं। नंबर 2 है, वो कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ अपनी अम्मी से बातें भी करता जा रहा था। तो प्यारे बच्चों, क्या कुरान मजीद की तिलावत के दौरान किसी से बात करना मुनासिब है? जी नहीं, ये गलत बात है, कुरान पाक की तिलावत के आदाब के ख़िलाफ़ है। तो आप इसको क्या करेंगे? गलत। नंबर 3 इज़ हामिद पाक जगह पर बैठा था। तो क्या ये कुरान पाक की तिलावत के आदाब के मुताबिक है? जी बिल्कुल, कुरान पाक जो है वो पाक जगह पर बैठकर ही पढ़ा जाता है। तो ये क्या हुआ हमारा? नंबर 3 इज़ करेक्ट, ये हमारा सही है, दुरुस्त है। इसके सामने आप सही का निशान लगाएं। नंबर 4 इज़ हामिद जल्द अज़ जल्द सबक ख़त्म करना चाहता था, इसलिए उसने तेज़ी से तिलावत की। नहीं प्यारे बच्चों, कुरान पाक को की तिलावत तेज़ी से नहीं की जाती, आराम आराम से ठहर ठहर कर की जाती है। तो ये इसने गलत किया, तो ये क्या होगा हमारा? गलत। इसके सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 5 इज़
तिलावत के दौरान उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऊंची आवाज़ में तिलावत करना मुनासिब नहीं होता, तिलावत धीमी आवाज़ में करनी चाहिए। तो ये नंबर 5 जो है वो तिलावत के आदाब के बिल्कुल मुताबिक है, तो आप इसको क्या करेंगे, सही। ये हुआ आपका सही। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइजेज अच्छे से फिल कीजिएगा। हमारा सबक नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।